हेलो दोस्तों, क्या हाल है सबके। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गोल्स। भाई आज हम बात करेंगे ब्रोकरेज के बारे में। ब्रोकरेज किसकी? आस्था की। भाई देखो, ब्रोकरेज आप सब देते हो, आप सबको पता है, आपको मोटा मोटा अंदाजा भी है कि भाई आप ब्रोकरेज कितनी देते हो। पर हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो आप उस जो ब्रोकरेज आप देते हो आस्था वालों को, उसका क्या है, हम एक ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। ब्रेक डाउन इन द सेंस, हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि जो आप ब्रोकरेज देते हो तो भाई उसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती है। इन द सेंस कि भाई आप STT कितना देते हो, भाई आप SEBI को कितना चार्ज पे करते हो, आप गवर्नमेंट को कितना टैक्स देते हो, आप GST कितना देते हो। तो हम इस यही सब कुछ हम आपको बताने की कोशिश करेंगे इस छोटे से वीडियो में। तो भाई टाइम वेस्ट ना करते, हम चलते हैं अपने बोर्ड की तरफ। भाई अभी क्या करेंगे, हम ब्रोकरेज को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ब्रोकरेज का एक तरीके से हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे कि हम कितना ब्रोकरेज देते हैं, मतलब पूरा। और हम इसका क्या भाई, स्पेशली हम आस्था ट्रेड का हम बता रहे हैं आपको, ठीक है ना। बाकी और जो ब्रोकर होते हैं वो भी लगभग लगभग जो एडिशनल जो चार्ज होते हैं वो लगभग लगभग सेम ही होते हैं। तो हम क्या ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से हम देखेंगे कि भाई कितना ब्रोकरेज लगता है, ठीक है ना। ऑप्शन सेल के हिसाब से हम क्या करेंगे, हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो आप चलो, आप वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना, तभी आपको पता चलेगा। देखो मोटा मोटा तो सबको ही पता रहता है कि भाई कितना हम ब्रोकरेज देते हैं, पर आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि भाई हम पे चार्ज कौन कौन से लग रहे हैं। तो यही इस वीडियो का यही पर्पज़ है। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हो। भाई हम सबसे पहले हम बैंक निफ्टी को लेते हैं, ठीक है ना। बैंक निफ्टी का एग्जांपल लेके हम समझाते हैं। हम एक बात और बता देता हूँ, मैं 10 लॉट्स के हिसाब से आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखना, आप अब ये मत सोचना कि लास्ट में कि भाई इतनी ब्रोकरेज कैसे होगी। तो 10 लॉट्स के हिसाब से हम बताएंगे। तो सबसे पहले जो नॉर्मल ब्रोकरेज लगती है, जो आस्था ट्रेड में नॉर्मल जो ब्रोकरेज लगती है, वो सबको पता है कि भाई वो 40 रुपये लगती है। सिंपल सी बात है भाई, सेल की। तो हम क्या 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं, तो हमारी होगी सीधी सीधी कितनी रुपये, 400 रुपये। नॉर्मल ब्रोकरेज होगी हमारी 400 रुपये। फिर हमारा एक एडिशनल चार्ज आता है STT, ये हम पता करते हैं ये कितना लगता है। ये बहुत फेमस है भाई, ये लगता है हमारा 1 रुपये 30 पैसे, ठीक है ना। 10 लॉट के हिसाब से समझा रहा हूँ भाई, आप ध्यान रखना, ठीक है ना। फिर एक चार्ज आता है SEBI टर्नओवर चार्ज, ठीक है ना। SEBI टर्नओवर चार्ज भाई ये लगता है हमारा कितना, ये ज़्यादा नहीं है, 0.01 है बैंक निफ्टी के केस में, अगर आप 10 लॉट ले रहे हो, ठीक है ना। फिर उसके बाद आता है हमारा स्टैम्प ड्यूटी, ये एक स्टैम्प ड्यूटी चार्ज आता है, ठीक है ना। तो ये भाई ये जो हमारा स्टैम्प ड्यूटी चार्ज है, ये लगता है हमारा, ये लगता है भाई 10 पैसे, ठीक ना, 0.10, ठीक ना, ये लगता है हमारा 10 पैसे। फिर आता है हमारा ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है ना, ट्रांजेक्शन चार्ज, ट्रांजेक्शन चार्ज, ठीक है। तो भाई ये लगता है हमारा, ये लगता है हमारा 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है भाई। और जो सबसे ज़्यादा चार्ज लगता है वो आता लास्ट में भाई, वो आता है हमारा GST भाई। ये GST हमारा लगता है, अगर आप 10 लॉट ट्रेड कर रहे हो बैंक निफ्टी में, लगता है हमारा 72 रुपये 45 पैसे, ठीक है ना। तो भाई जो हमारा टोटल हो गया, वो हो गया हमारा 476 रुपये 35 पैसे, ठीक है ना भाई। ये हमारा फाइनल ब्रोकरेज बनता है एट द एंड ऑफ द डे, किसमें, बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड करोगे, ठीक है ना। बैंक निफ्टी में अगर आप ट्रेड कर रहे हो कितनी, 10 लॉट्स, तो आपको भाई इतना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, ठीक है ना, 476 रुपये 35 पैसे। तो भाई ये तो था बैंक निफ्टी का। मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ अभी निफ्टी का, और बता देता हूँ कि भाई निफ्टी में आपको कितना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है ना, अगर आप ट्रेड करोगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो वो और बता देता हूँ मैं कि ये तो हमने देख लिया कि भाई बैंक निफ्टी में कितना है, अगर आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो तो वहाँ आपको कितना ब्रोकरेज पे करना पड़ेगा, वो और मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, तो मैं चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें भी भाई हम क्या है, हम 10 लॉट लेंगे, ठीक है ना। इसमें भी हमने 10 लॉट ले रखे हैं। तो भाई सिंपल सिंपल बात है, जो नॉर्मल ब्रोकरेज होगी 10 लॉट की, एक तो वो तो हो गई 400 रुपीज़ तो हो ही गई,
ठीक है ना, जो 40 रुपये लगते हैं, ठीक है ना भाई। जो इस पे STT लगता है वो लगता है हमारा 4 रुपये 88 पैसे, निफ्टी पे ज़्यादा है, पता नहीं क्यों ज़्यादा ये मुझे नहीं पता, निफ्टी पे लगता है जहाँ उसका STT 1.5 रुपये था, यहाँ पे 4 रुपये 88 पैसे भाई। सेबी टर्नओवर जो चार्ज है इसका वो है 0.03 पैसे, ठीक है ना। ये हमारा सेबी टर्नओवर चार्ज है किसका, निफ्टी का। फिर आता है हमारा स्टैम्प ड्यूटी चार्ज, भाई स्टैम्प ड्यूटी चार्ज लगता है 0.38, ठीक है ना। ये हो गया हमारा स्टैम्प ड्यूटी चार्ज। फिर आता है हमारा ट्रांजैक्शन चार्ज, भाई ये भी हमारा ज़्यादा है थोड़ा निफ्टी में, 9.38 रुपीज़, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा ट्रांजैक्शन चार्ज। फिर आता है हमारा GST, भाई GST इसमें लगता है 73 रुपीज़ 69। तो भाई जो हमारा टोटल हो गया, जो टोटल हमारा बैठ रहा इसमें बैठ रहा 488 रुपये 34 पैसे किसका, निफ्टी का, ठीक है ना। ये बैठ रहा हमारा निफ्टी का कितनी लॉट का, 10 लॉट्स का। तो भाई आप, आई होप के आपको जो पूरा ये जो ब्रेकडाउन है वो क्लियर हो गया होगा कि भाई के कितना, मतलब एक नॉर्मल ब्रोकरेज 400 रुपये, बाकी 88 रुपीज़ जो है ना, ये सारे हमारे जो हमारे STT वगैरह ये होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल ब्रोकरेज बैठता है एट द एंड ऑफ द डे, अगर हम 10 लॉट सेल करेंगे। सेल क्या भाई, ये बाइंग, बाइंग में भी इतना ही लगता है, ठीक है ना। मैं ये और बता देता हूँ आपको, ठीक है, बाइंग का और सेलिंग का सेम है, तो उसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पर हम ऑप्शन सेल ज़्यादा करते हैं तो इसलिए मैंने सेल का ऑप्शन देके समझाया, पर बाइंग में भी सेम ब्रोकरेज लगता है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर भाई अच्छा लगा होगा तो भाई इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, और भाई कमेंट में जो भी डाउट हो कमेंट में लिख देना। और मैं आपको एक बता देता हूँ भाई, हमने क्या व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है, उसमें हमारे क्या बहुत नए नए ट्रेडर और जो थोड़े अच्छी नॉलेज वाले जो ट्रेडर हैं वो भी उसमें ऐड हैं, तो वो अपनी नॉलेज को शेयर करते रहते हैं। अगर आपको वो ग्रुप ज्वाइन करना है तो लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन में भाई दे दूँगा, और से जाके आप ऐड हो जाना ग्रुप में, काफ़ी नॉलेज आपको मिलेगी, कोई चार्ज वार्ज, फ्री वाला फ्री ग्रुप है आपको, अगर आपको नॉलेज लेनी है तो भाई उस ग्रुप में आ जाना, काफ़ी अच्छे अच्छे बंदे हैं जो जिनको काफ़ी अच्छी नॉलेज है इसके बारे में। तो चलो मैं यहाँ पे वीडियो को ख़त्म करता हूँ भाई, बाय दोस्तों।